स्वागत है आपका एक बार फिर से बिहारी गुरुजी चैनल पर। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत जो ICDS निदेशालय है, ठीक है, उसका जो है सेटअप किस तरह से है, आंगनवाड़ी केंद्र से लेकर के और हेडक्वार्टर तक, ठीक है, सेटअप किस ढंग से है और वर्किंग जो है कैसे कैसे जो है किस पद पर काम होता है, जैसे कि आंगनवाड़ी सेविका से सहायिका से लेकर के, ठीक है, और ऊपर डायरेक्टर तक, उसके बीच में जो भी DPO हैं, लेडी सुपरवाइज़र है, CDPO है, इस सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, शुरू से लेकर के और लास्ट तक पूरा देखेंगे हेडक्वार्टर तक। सबसे पहले जो है देखिए ऊपर से शुरू करते हैं। जैसा कि पता है आप लोगों को कि बिहार सरकार के अंतर्गत जो है बहुत सारा विभाग है, अलग अलग विभाग है, तो समाज कल्याण विभाग उसी में से एक विभाग है, ठीक है, बिहार सरकार का समाज कल्याण विभाग। समाज कल्याण विभाग का कार्य क्या है? समाज कल्याण विभाग जो है आपको महिलाओं, बच्चों, दिव्यांगजनों, उसके बाद वृद्धजनों एवं समाज के अत्यंत अभिवंचित वर्ग के लिए जो है उनके हितों, अधिकारों, उन्नति एवं विकास के लिए नीतियाँ बनाते हैं, ठीक है, कार्य योजना एवं कार्यक्रम तैयार कर उसका कार्यान्वयन करना जो है इस विभाग का काम है, ठीक है। तो ये विभाग क्या करता है ये आप समझ लिए, समाज कल्याण विभाग। अब समाज कल्याण विभाग में क्या है कि कोई भी जो विभाग होता है उसके अंतर्गत जो है उसमें बहुत सारा अलग अलग निदेशालय हो सकता है, ठीक है, उसके अंदर बहुत सारा अलग अलग कमीशन भी हो सकता है इस तरह से। तो समाज कल्याण विभाग के अंदर जो है एक सामयिकित बाल विकास सेवाएं यानी कि ICDS निदेशालय है, डायरेक्टरेट जिसको कहते हैं, ठीक है, ICDS निदेशालय है समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत। तो जब भी किसी विभाग के नीचे जब मान लीजिए चार अलग अलग निदेशालय है तो सबका अलग अलग जो है कार्य होगा अलग अलग निदेशालय का। तो ICDS निदेशालय जो है उसका जो काम है वो 0 से 6 वर्ष के बच्चों, गर्भवती तथा धात्री महिलाओं व किशोरी बालिकाओं को इस कार्यक्रम द्वारा कुल 6 प्रकार की सेवाएं प्रदान की जाती है, ठीक है। इस ICDS निदेशालय का जो है कार्य इसके थ्रू जो है ये चीज़ किया जाता है। और कुल 6 प्रकार का वो सर्विस कौन सा है जो सेवा दिया जाता है, वो है आपको पूरक पोषाहार, स्कूल पूर्व शिक्षा, टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच, संदर्भित सेवाएं, पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा, ठीक है, ये सब हो गया ICDS निदेशालय के अंतर्गत। अब विभाग का तो हम बात कर लिए, ठीक है, कि समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत जो है एक निदेशालय है ICDS जिसका मुख्यालय इसका भी जो है पटना में, निदेशालय का जो है जनरली आपको हेडक्वार्टर लेवल पर ही सेटअप रहता है। ICDS निदेशालय जो है आपका उसमें निदेशक जो है डायरेक्टर उसके हेड होते हैं, कोई भी निदेशालय हो उसके जो है हेड होते हैं वो निदेशक होते हैं डायरेक्टर। तो यहाँ भी डायरेक्टर जो है इसके बॉस होते हैं, उसके नीचे जो है संयुक्त निदेशक होते हैं, जॉइंट डायरेक्टर, उसके नीचे जो है उप निदेशक होते हैं और उसके नीचे फिर सहायक निदेशक, सबसे नीचे जो है वहाँ पर हेडक्वार्टर में आपको सहायक निदेशक हो गए। उसके बाद जब डिस्ट्रिक्ट में आएंगे, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट में जब आएंगे तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि एक DPO होता है पद, डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर जो होते हैं ये असिस्टेंट डायरेक्टर के इक्विवेलेंट होते हैं। जो असिस्टेंट डायरेक्टर का हम यहाँ पर बात किए, जो हेडक्वार्टर निदेशालय में वहाँ पर जो है ICDS निदेशालय में मुख्यालय में जो असिस्टेंट डायरेक्टर हैं, यही असिस्टेंट डायरेक्टर जो है जब डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट में जब इनका पोस्टिंग होता है तो ये DPO के नाम से भी जाने जाते हैं। तो ये जो DPO है आपका डिस्ट्रिक्ट में वो असिस्टेंट डायरेक्टर के इक्विवेलेंट है, असिस्टेंट डायरेक्टर ही होते हैं वो, ठीक है। तो DPO का क्या कार्य होता है, DPO जो है आपका वो रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोग्राम एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो ये प्रोग्राम जो है उसका इम्प्लीमेंटेशन जो है उसको इम्प्लीमेंट करवाना जिला लेवल पर जो है इनका काम होता है, जिस कारण से इनका नाम ही दिया गया है डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर और ये असिस्टेंट डायरेक्टर के इक्विवेलेंट होते हैं। उसके बाद नीचे जब आएंगे आप तो ब्लॉक में देखेंगे, ठीक है, ब्लॉक लेवल पर जो है अलग अलग प्रोजेक्ट इसका जो है नाम दिया गया है। तो CDPO जो होता है वो चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर, ये जो है इंचार्ज होते हैं प्रोजेक्ट का ब्लॉक लेवल पर, ठीक है, ब्लॉक लेवल पर प्रोजेक्ट का इंचार्ज जो है हो गए आपको CDPO। तो यहाँ पर हम पहुँच गए ब्लॉक लेवल पर, हेडक्वार्टर से होते हुए ब्लॉक लेवल तक पहुँचे हैं डिस्ट्रिक्ट होते हुए। अब ब्लॉक लेवल पर क्या है कि देखिए ब्लॉक लेवल पर समझ गए आपकी CDPO जो होते हैं वो इंचार्ज होते हैं प्रोजेक्ट के। अब CDPO के नीचे जो है एक क्लस्टर होता है, क्लस्टर क्या है, क्लस्टर का मतलब होता है समूह,
समूह, तो किस चीज़ का समूह? समूह जो होता है वो आंगनवाड़ी केंद्र का समूह, ठीक है, जिसको क्लस्टर नाम दिया गया है। तो क्लस्टर में क्या होता है कि महिला पर्यवेक्षिका, लेडी सुपरवाइजर जो होती है वो होती है इंचार्ज एक समूह का, जैसे कि 5, 10 या 20 इस तरह से आंगनवाड़ी केंद्र को मिला करके एक समूह बनाया जाता है केंद्र का, और उसमें एक लेडी सुपरवाइजर होती हैं, ठीक है, जिनका काम है मॉनिटर करना क्लस्टर को, ठीक है, मॉनिटर क्लस्टर्स ऑफ आंगनवाड़ी सेंटर एंड रिपोर्ट टू CDPO, और रिपोर्ट करती हैं वो CDPO को, ठीक है। अब सबसे नीचे जो है यहाँ पर आंगनवाड़ी सेंटर होता है, आंगनवाड़ी केंद्र जिसको कहा जाता है, सबसे नीचे हो गया ये, रूट लेवल पर जो है इसका मेन वर्क है, रूट लेवल पर यही आंगनवाड़ी केंद्र में ही काम होता है, और आंगनवाड़ी सेविका एंड सहायिका यहाँ पर एक एक होती है, आंगनवाड़ी एक आंगनवाड़ी सेविका और एक आंगनवाड़ी सहायिका, ठीक है, और इन सबको जो है 5, 10 या 20 मिला करके एक क्लस्टर बना दिया जाता है, वहाँ पर हो जाती है लेडी सुपरवाइजर महिला पर्यवेक्षिका, और वो रिपोर्ट करते हैं CDPO को। तो आपका जो ये ब्लॉक लेवल तक का जो ये जो कैडर है यहाँ पर जो है आपको ब्लॉक लेवल से CDPO से जो है आपका कैडर यहीं से शुरू ही होता है, ठीक है। इसके नीचे जो भी ये पद आप देख रहे हैं इस सब का ऐसे ही कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर जो है बहाली आपको जो है महिला पर्यवेक्षिका का भी और इसका भी, ये आंगनवाड़ी सेविका और सहायिका का, ठीक है, कैडर वाला जो सर्विस है वो ब्लॉक लेवल से CDPO से शुरू होता है, ठीक। तो ये था पूरा जो है स्ट्रक्चर, इसी ढंग से जो है ICDS निदेशालय में जो है नीचे आंगनवाड़ी केंद्र से लेकर के और ऊपर डायरेक्टर तक का जो है इस तरह से हायरार्की बना हुआ है और इसी ढंग से वर्क होता है। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।